नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलन हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्टर के प्रगति कक्ष में संपन्न हुई। उन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के अंतर्गत लगभग 11 विभागों के पिछड़े वर्ग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग द्वारा बलौदा बाजार शहर में पिछड़े वर्ग के लिए बन रहे 51 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की स्थिति का भी जायजा लिया गया। आई देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। इस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण एवं जल्द की हैंडओवर करने की बात कही गई। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अनुग्रह एवं अंत्योष्टि योजना, नैनिहाल छात्रवृत्ति प्रोत्साहना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक दुर्घटना एवं दिव्यांग सहायता योजना, जिला अत्यावसायी सहकारी विकास के माध्यम से संचालित टर्म लोन योजना, समृद्धि योजना। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शासन से प्राप्त लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग समुदाय को हम जितना अधिक लाभ दिला सके, इस दिशा में आप सभी अधिक से अधिक कार्य करें। जरूरतमंद हितग्राहियों तक शासन की योजना का लाभ मिले, यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने जिला में धान खरीदी, गौधन न्याय योजना, ग्राम सुराजी योजना का भी जायजा किया। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आयोग के अध्यक्ष को जिले में संचालित शासन की महत्वपूर्ण योजना गौधन न्याय योजना, ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत नरवा, गरबा, घुरवा, बाड़ी सहित धान खरीदी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें गौठानों को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस विषय पर श्री जैन ने विस्तृत रूपरेखा अध्यक्ष को बताया। श्री साहू ने जिले में योजना के क्रियान्वयन पर संतुष्टि जताते हुए महिला समूहों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तो ये थी बलौदा बाजार जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।